हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रिय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल कैमरा के बारे में। ये जो गूगल कैमरा दोस्तों, यूनिवर्सल गूगल कैमरा है। इसे आप किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, बट उस एंड्रॉइड फोन के अंदर एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 इंस्टॉल होना चाहिए। ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों, इस गूगल कैमरा के अंदर आपको स्टॉक जीकैम का एक्सपीरियंस मिलेगा, स्टॉक जीकैम का एल्गोरिदम मिलेगा। ये जो गूगल कैमरा है 7.4.201 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, जो कि जीकैम 7.4 का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और इसे अभी मैंने इंस्टॉल किया है शामी MI2 डिवाइस के अंदर, जो कि MI12 के अंदर रनिंग कर रहा है। एंड एज गूगल कैमरा, इसके अंदर आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं, बट जो यूजफुल ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कैमरा के अंदर दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्लैश का ऑप्शन है, HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है, AIAWB का ऑप्शन मिल जाती है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन मिल जाती है। गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस यहाँ पर नहीं मिलता है। मोशन है, टाइमर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट मोड फ्रंट बैक दोनों के अंदर काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर फेस रिटचिंग एज वेल जो ऑटो वाइड बैलेंस वो मिल जाती है। नाइट साइड मोड की बात करें दोस्तों, नाइट साइड मोड के अंदर ऑटो वाइड बैलेंस, टाइमर, फोकस के अंदर नियर, फार एंड इंफिनिटी का ऑप्शन है, एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड मिल जाती है। डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन है, अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन को यूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको दोस्तों फुल HD एंड 4K का ऑप्शन यहाँ का ऑप्शन मिल जाती है। अगर आपका फोन 4K 60 FPS सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन दिखाई देगा, वरना आपको नहीं दिखाई देगा। मेरा फोन जो है 4K 60 FPS सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर फुल HD 60 FPS एंड 4K 30 FPS का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप ऑटो 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि काफी बढ़िया बात है। पैरानोरमा फोटोज पर स्लो मोशन टाइमलेस फीचर मिल जाती है। जो स्लो मोशन फीचर की बात करें, स्लो मोशन फीचर यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। स्लो मोशन फीचर के अंदर कोई भी इशू नहीं है। एंड टाइमलेस फीचर की बात करें दोस्तों, टाइमलेस फीचर भी यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर हमने नोटिस नहीं किया है। ये दोस्तों डिपेंड करेगा फोन टू फोन, अगर आपके फोन के ऊपर टाइमलेस फीचर काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं भाई, सब डिफरेंट एपीके ट्राई करो और कोई दूसरा ट्राई करो एपीके। एंड ये हमारा जो पैरानोरमा फीचर है वो तो काम करता है, एंड फोटोज पर फीचर भी काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इस एपी के अंदर ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है, ज्यादा ऑप्शन नहीं डाला गया है। ये जो एपी है दोस्तों, पैरोट करके जो डेवलपर है उसके तरफ से आया है। यहाँ पर आपको कैमरा, साउंड, गूगल लेंस सजेशन, फ्रेम हिंटिंग, सेफ सेल्फीज, पीपू, सोशल शेयर की ऑप्शन है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टोटल 3 एप्लीकेशन के अंदर गूगल कैमरा से फोटो क्लिक करने के बाद डायरेक्टली गूगल कैमरा से ही फोटोज को शेयर कर पाओगे। उसके बाद आपको ग्रिड टाइप, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाती है। एडवांस के अंदर HDR कंट्रोल, फोकस ट्रैकिंग, रॉ इमेज का सपोर्ट मिलता है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पर आपको फुल रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाती है, वीडियो सेपरेशन का ऑप्शन मिलता है, एंड दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इस कैमरा एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट फिर भी दोस्तों जो कैमरा एप्लीकेशन है काफी बढ़िया है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर सैंपल को क्लिक किया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के दौरान देखना चाहूंगा दोस्तों। सो यहाँ पर जितने भी पिक्चर आप देख पाओगे, सभी को मैंने Gcam 7.4 यूनिवर्सल गूगल कैमरा के साथ अपने शामी MI2 डिवाइस के अंदर क्लिक किया है। जैसे कि आप देख पाओगे दोस्तों, पिक्चर की जो क्वालिटी आई है दोस्तों काफी बढ़िया आई है, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, इससे अच्छा गूगल कैमरा मैंने यूज करके देखा है। ये जो गूगल कैमरा है अच्छा काम कर रहा है शामी MI2 डिवाइस के अंदर, बट शामी MI2 डिवाइस के अंदर इससे अच्छा गूगल कैमरा मैंने टेस्ट करके देखा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर जो कलर देख लो दोस्तों, वो कुछ कुछ टाइम जो एक्चुअल कलर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पर कलर शिफ्टिंग का एक इशू मैंने नोटिस किया है, जो कि इस गूगल कैमरे के अंदर था। अभी दोस्तों Version 1 है, इसलिए शायद दिक्कत आ रही है, बट इन फ्यूचर जब इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा तो शायद ये जो कलर शिफ्टिंग है दोस्तों फिक्स हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर जो AI का ऑटो वाइड बैलेंस है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इसके अंदर गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस यूज किया जाता तो और अच्छे से दोस्तों जो कलर शिफ्टिंग का इशू है दोस्तों फिक्स हो सकता था। बाकी आपको पिक्चर क्वालिटी कैसा लगा मैं दोस्तों कमेंट करके बता देना है। अगर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस गूगल कैमरा का डायरेक्ट डाउनलोडिंग में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस गूगल कैमरा को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 11 डिवाइस के ऊपर कैमरा ट्यूब पे एनेबल होने के बाद ही काम करेगा। एंड अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। अगर मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो, वैसे इंस्टाग्राम में आइए, इंस्टाग्राम में आके फॉलो करके मुझसे बात भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।